Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. डॉक्टर महनाज को देखकर ताहिर ने पूछा, बुरहान कैसा है डॉक्टर साहिबा, कोई खबर? जिब्रान भी अपनी सीट से उठकर आ गया और पूछने लगा, डॉक्टर आंटी ऑपरेशन हो गया? डॉक्टर महनाज ने उन्हें तसल्ली देते हुए बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता किया था, ऑपरेशन चल रहा है। बुरहान बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर दानियाल ने जिब्रान से मुखातिब होकर कहा, अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है। जब हम ऑपरेशन के बाद बुरहान को रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आपको बता देंगे। जिब्रान ने इस पर खुश होकर कहा, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अंकल, जब बुरहान ठीक होकर घर आ जाएगा ना तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। इस पर नादिया ने जिब्रान को टोकते हुए कहा, जिब्रान आप चुपचाप खड़े रहो, ये हॉस्पिटल है ना, शोर नहीं करते। इस पर डॉक्टर दानियाल ने मौका देखकर नादिया से पूछा, मिसेस ताहिर मुझे डॉक्टर महनाज ने बताया कि आपका हाथ जल गया था, आप यहाँ आई हैं तो क्यों ना हम आपका भी चेकअप करवा लें, आप अपने जख्म की ड्रेसिंग क्यों नहीं चेंज करवा लेती? इस मशवरे पर नादिया ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, ये तो पिछले हफ्ते जल गया था, अब तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर दानियाल ने उनकी बात पकड़ते हुए पूछा, ओ अच्छा अच्छा, आपका हाथ जल गया था, कैसे जल गया? डॉक्टर महनाज तो बता रही थी कि शायद कट लग गया था, आई थिंक शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस पर जिब्रान ने बेसाख्ता कहा, अम्मी तो आए दिन गिरती पड़ती रहती हैं, अपू बोलते हैं कि अम्मी बहुत लापरवाह हैं। इस तनकीद पर नादिया ने एक बार फिर जिब्रान को आंखें दिखाई मगर उस पर कोई असर ना हुआ। ताहिर ने इस तफ्तीश पर डॉक्टर दानियाल से जरा उखड़ कर पूछा, डॉक्टर दानियाल मैं पूछ सकता हूँ आप हमसे यहाँ मिलने क्यों आए हैं? डॉक्टर दानियाल ने फौरन ताहिर के गुस्से को भांप लिया और बात को संभालते हुए कहा, आपका बेटा सर्जरी में है मिस्टर ताहिर, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग परेशान होंगे, एज अ डॉक्टर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी तसल्ली के लिए यहाँ मौजूद रहें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और हैव एनी कंसर्न्स। डॉक्टर दानियाल की इस बात पर ताहिर ने मजीद चिढ़ते हुए पूछा, व्हाट क्वेश्चंस व्हाट कंसर्न्स, कैसी परेशानी, कौन से सवाल? अभी तो आपके सामने डॉक्टर महनाज ने बताया ना कि ऑपरेशन ठीक चल रहा है, तो फिर आप इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? नादिया ने ताहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुने आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, ये लोग तो बस हमारा ख्याल। नादिया की बात मुकम्मल होने से पहले ताहिर ने उसका हाथ झड़कते हुए कहा, सब समझता हूँ मैं, आप लोग ये झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अपने अब्बू को यूं गरजते हुए देखकर जिब्रान ने नादिया से पूछा, अम्मी देखे ना अब्बू लड़ाई कर रहे हैं, क्या पुलिस फिर से अब्बू को पकड़ कर ले जाएगी? ताहिर ने डॉक्टर दानियाल से नजरें मिलाते हुए पूछा, किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका? डॉक्टर दानियाल ने जवाब दिया, आई एम द हेड ऑफ साइकाइट्री एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट। ये जवाब सुनकर ताहिर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। साइकाइट्री डिपार्टमेंट, आपको लगता है मैं पागल हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, अपनी बीवी और बच्चों पर तशद्दुद करता हूँ? डॉक्टर दानियाल मेरी फैमिली, मेरी कुल कायनात है, मैं उन पर एक आंच नहीं आने दे सकता, उन्हें चोट पहुंचाना तो दूर की बात है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको जो छानबीन करनी है आप कर सकते हैं, जाएं जिसे बुलाना हो बुला लें, आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। और बेहतर होगा कि आप दोबारा मेरे सामने ना आएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त डॉक्टर महनाज और डॉक्टर दानियाल के पास चुपचाप वहां से चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, बिना किसी ठोस सबूत के तमाशा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं था। वहां से हटने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि वो इस केस को एथिक्स एंड लीगल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर महनाज ने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया और डॉक्टर दानियाल दोबारा अपने कैबिन की तरफ जाने लगे। चलते चलते अचानक कॉरिडोर में कोड ब्लू का सायरन बजने लगा। जब डॉक्टर दानियाल ट्रॉमा रूम के करीब गए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स की एक टीम इमरजेंसी में आई हुई एक लड़की को CPR दे रहे थे। जब CPR से काम ना बना तो डॉक्टर्स ने उसे डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक तीन झटके दिए। जब उसकी धड़कन बहाल हुई तो उसे फौरन स्ट्रेचर समेत कमरे से बाहर निकाल कर लिफ्ट की तरफ ले जाया गया।
डॉक्टर दानियाल ने उस बच्ची के साथ भागते हुए एक डॉक्टर को कहते हुए सुना, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है इस बच्ची का, फौरन कार्डियो ओटी खुलवाओ, हम इसे ऊपर लेकर आ रहे हैं, शी स्टेबल एट द मोमेंट, बीपी 90/75, हार्ट रेट 130, जीसीएस 10। हरी अप, रास्ता क्लियर करो, इसके बचने की उम्मीद है अब भी। इस अफरा तफरी में किसी ने ये नहीं देखा कि एक मासूम बच्चा टिकटिकी बांधकर दूर से ये सारा मंजर देख रहा था। जैसे ही वहां से रश हटा, वो बच्चा दबे पांव उस खाली ट्रॉमा रूम में दाखिल हो गया। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।